सो हेलो गाइस, कैसे हो? सबसे बहुत ही अच्छा हो। तो भाई, ओरियन कैरेक्टर में कौन सा एबिलिटी या फिर स्किल आप यूज कर सकते हो, जो स्किल कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में। एंड आपको सारा जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा ना, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा ओरियन कैरेक्टर के रिलेटेड। तो यहाँ पर भाई आपको मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना कर दिया था कि ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ईपी को कन्वर्ट करके ये क्रिम्सन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एंड गोला सा बन जाता है। 3 सेकंड्स तक ये वर्क करता है और इस टाइम के अंदर, मतलब 3 सेकंड के अंदर, कोई बंदा आपको मार भी नहीं सकता एंड आप भी किसी को फायर वगैरह नहीं कर सकते। एंड ओपोनेंट का जो हेल्थ है वो ले लेता है अगर 5 मीटर के अंदर ये होता है। तो अभी भाई बात करते हैं कि 2 बार से ज़्यादा इसको यूज़ बंदे नहीं कर पा रहे। हालांकि इसका कूल डाउन टाइम जो वो 3 सेकंड्स है, मतलब जैसे आप इसको यूज़ करोगे फिर से आप इसको तुरंत यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर भाई 150 EP चाहिए होगा एक बार इसको यूज़ करने के लिए। तो भाई इसीलिए बंदे इसको 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर 300 AP मैक्सिमम आप ले सकते हो। तो भाई इसके लिए आपको जो मेन यहाँ पर स्किल लेना चाहिए वो है मिग्यूल, क्योंकि मिग्यूल का क्या है कि एक बार बंदे को अगर आप नॉक करते हो, अगर आप स्क्वाड खेल लो तो एक बंदे को अगर आप नॉक करते हो, अगर आप सोलो खेल लो तो एक बंदे को किल भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जैसे ही करोगे ना तो आपको तुरंत 200 EP मिल जाएगा, जो एक बार इसको यूज़ करने के लिए सही है। भाई यहाँ पर आप अगर क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड का भी खेल रहे हो, एक से ज़्यादा बंदे को आपको मारना है, तो तब ये बहुत ज़्यादा काम में देगा, क्योंकि एक बार जैसे बंदे को नॉक करोगे तुरंत आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हो, जैसे आप हुकोंग कैरेक्टर को यूज़ करते थे। लेकिन हुकोंग कैरेक्टर का क्या है कि अगर कोई बंदा आपको एम करके मारेगा ना झाड़ी के ऊपर तो आपको लग जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डैमेज नहीं पड़ेगा 3 सेकंड्स तक। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हुकोंग का क्या है कि जब मर्जी आप जो अपना गन है वो रिलोड कर सकते हो, ठीक है, आप जब मर्जी मार सकते हो बंदे को, कैंसिल वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 सेकंड्स तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, उससे पहले आप ना तो गन रिलोड कर सकते हो, ना ही फायर कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको टाइमिंग पकड़ना होगा इसका, ठीक है। 3 सेकंड्स के बाद, तुरंत बाद, चाहे आप कवर के पीछे छुप जाओ, ग्लू लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको 3 सेकंड बाद ही सारा कुछ करना पड़ेगा। उसके मतलब जब तक ये वार्न रहेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सबसे पहले प्रॉब्लम मुझे लगा जब मैं खेल रहा था ना, तो बहुत दिक्कत हो रहा था इसकी वजह से, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते 3 सेकंड्स तक। एंड भाई यहाँ पर इसके साथ जो सेकंड स्किल आप यूज़ कर सकते हो वो है हायातो, एंड लास्ट जो यूज़ कर सकते हो वो है केली, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, यहाँ पर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, जो इतने दिन तक आप यूज़ करते हुए आ रहे हो ना तो वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मिग्यूल है वो मस्ट है, उसके बिना भाई एक कैरेक्टर बहुत यूजलेस बन जाएगा, ठीक है। मिग्यूल मस्ट है, एंड सेकंड एंड थर्ड जो कैरेक्टर स्किल है वो आप कुछ भी लगा सकते हो, जो इतने तक आप लगाते हुए आ रहे हो, जो आपका फेवरेट है वो आप लगा सकते हो, ओके। किसी की बात वो आप मत सुनना, बस मिग्यूल जो है आपको यूज़ करना ही है ओरियन कैरेक्टर के साथ। एंड भाई यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि अगर बंदा ऊपर भी है ना तो भी ये काम करता है, नीचे है तो भी काम करता है, मतलब जहाँ पर भी है बंदा 5 मीटर के अंदर होना चाहिए, वॉल के आर पार भी होगा तो भी चलेगा, यहाँ पर ये काम करेगा, डैमेज उसको देगा एंड आपका जो हेल्थ है वो अगर कम है उस पर वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से बंदों को ऐसा लग रहा होगा कि आप वॉल पे आर पार या फिर ऊपर होगा तो काम नहीं करेगा, भाई काम करेगा, बस 5 मीटर के अंदर वो होना चाहिए। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना।